राजनीति का खेल कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको हर भाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको उत्साह, भय, डर, खुशी, जीत, हार, दुख, भावुकता, हर भावना एक साथ दिखाई देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में अभी बीते कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव हुए, जहाँ पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। उसके बाद मुख्यमंत्री पद का ऐलान भी हो गया कि आखिर मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, जो नाम बेहद ही चौंकाने वाला था। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात कहते हुए वे बेहद भावुक नजर आए। शिवराज ने कहा कि एक बात मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उन्हें पूरा करेगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने सीएम निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपने दिल्ली नहीं जाने की बात क्यों कही थी। इसके जवाब में शिवराज ने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान की जगह अब मोहन यादव सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके साथ ही भावुक होते हुए शिवराज ने आगे कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से एक आग्रह किया है कि मुझे प्रतिदिन पौधारोपण करने के लिए कुछ जगह मिलती। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।